नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अमेजन में एड्रेस कैसे डाला जाता है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अमेजन में जब आप किसी भी सामान को ऑर्डर करते हैं तो उस वक्त यहां पे एड्रेस कैसे फिल किया जाता है, एड्रेस कैसे भरा जाता है, एड्रेस कैसे डाला जाता है, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों कमाल की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे बताना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अमेजन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब अमेजन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप जो भी सामान खरीदना चाहते हैं सिंपली आप उसे सर्च कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एक रियलमी का पैड खरीदना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे रियलमी पैड सर्च कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया रियलमी पैड, सिंपली मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इसी प्रकार से आप जो भी सामान लेना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा बाय नाउ का और एक ऑप्शन मिलेगा ऐड टू कार्ट का। तो सिंपली आपको बाय नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको करना क्या, नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अ न्यू एड्रेस का। सिंपली आपको ऐड अ न्यू एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ऐड अ न्यू एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फुल नेम डालना है, यानी कि अपना आपको पूरा नाम डालना है। जैसे मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से आपको अपना पूरा नाम डालना है। उसके बाद आपको अपना 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर होता है उसको डालना है। सिंपली जैसे मैं अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल देता हूँ, इसी प्रकार से आपको अपने मोबाइल नंबर को डालना है। और यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड फिल कर देना है। जहाँ पे पिन कोड लिखा है आपको अपने एरिया का पिन कोड लिखना है। सिंपली मैं अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फ्लैट हाउस नंबर बिल्डिंग कंपनी अपार्टमेंट नेम में से कोई भी एक डालना है। तो सिंपली आप अपना हाउस नंबर डाल दीजिएगा। अगर आप सिटी से रहते होंगे, सिटी से बिलोंग करते होंगे तो आपको अपना हाउस नंबर पता होगा, सिंपली आप अपना हाउस नंबर डाल दीजिएगा। अगर आप गांव से रहते हैं आपको अपना हाउस नंबर नहीं पता तो यहाँ पे आपको 50 डालना है। दोस्तों 50 यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। अगर आप शहर में भी रहते हैं आपको अगर हाउस नंबर नहीं पता तो 50 डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एरिया स्ट्रीट सेक्टर विलेज, तो यहाँ पे आपको अपने एरिया का नाम डाल देना है या फिर आपको अपने विलेज का नाम डाल देना है। तो सिंपली मैं गांव से हूँ तो सिंपली मैं अपने गांव का नाम डालूंगा। इसी प्रकार से आपको अपने शहर का, अपने गांव का, अपने एरिया का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे लैंडमार्क आ जाता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको करना क्या है, लैंडमार्क का मतलब ऐसा है कि मतलब आपके आसपास कोई अगर हॉस्पिटल हो तो उसका मतलब उसका नाम डाल सकते हैं, कोई पार्क हो तो पार्क का नाम डाल सकते हैं, कोई अगर यहाँ पे एजेंसी है तो एजेंसी का नाम डाल सकते हैं, पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल पंप का मतलब पेट्रोल पंप डाल सकते हैं। अगर आपके नियर में कुछ भी नहीं है ना तो सिंपली आप अपने गाँव का नाम या फिर शहर का नाम ही डाल दीजिए। जैसे मैं अपने गाँव का ही नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टाउन सिटी यानी कि टाउन सिटी एरिया को चूज कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना टाउन सिटी डाल देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों बता दूँ टाउन सिटी का मतलब है कि आप अपने टाउन का नाम डालिए या फिर सिटी का। सिटी में अगर आपको सिटी का नेम नहीं पता तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम डालिएगा यानी कि जिले का नाम भर दीजिएगा। जैसे मेरा जो जिला है गोरखपुर है तो आपने गोरखपुर का नाम जरूर सुना होगा। सिंपली मैं अपने जिला का नाम डाल दिया हूँ, इसी प्रकार से आप अपने जिले का नाम डालिएगा। उसके बाद आपको अपने स्टेट यानी राज्य को सेलेक्ट कर लेना है। तो भाई मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से, तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट एन एड्रेस टाइप का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, हाउस 7 AM to 9 PM डिलीवरी, मतलब आपको डिलीवरी कब चाहिए, जो आपने एड्रेस डाला है अपने घर का एड्रेस डाला है या फिर ऑफिस का। तो सिंपली मैं अपने घर का एड्रेस डाला हूँ तो होम पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप अपने ऑफिस का डाले हैं तो ऑफिस सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यूज दिस एड्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यूज दिस एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे भी यहाँ पे आप पे करना चाहते हैं ना पे कर सकते हैं। जैसे मैं पे ऑन डिलीवरी करूंगा तो सिंपली मैं पे ऑन डिलीवरी का जो ऑप्शन है
इस पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों डिलीवरी जो पे एंड डिलीवरी है अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों आप इस प्रकार से आगे का प्रोसेस कर लीजिएगा, कैश ऑन डिलीवरी या फिर UPI नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर दीजिएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आपका जो एड्रेस है प्लेस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एड्रेस कैसे डाला जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।